सात में से सात जीत और इस वर्ल्ड कप में यदि कोई टीम गेंदबाजी और बल्लेबाजी फील्डिंग सही मायनों में सातवें आसमान पे है तो भारत की। तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे भारत वर्सेस श्रीलंका की। उससे पहले बात, एक दौर था जब भारत की बल्लेबाजी के लिए मैच देखते थे और भारत की गेंदबाजी आती थी तो सोचते थे क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा खौफ नहीं था। लेकिन अब बल्लेबाजी का तो वो दौर इतना दौर आ गया है कि भारत का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हर नंबर पे बल्लेबाजी अपने आप में रिकॉर्ड है। एक से बढ़कर एक बल्लेबाज, गिल, रोहित, कोहली, श्रेयस, सूर्य कुमार यादव, केएल राहुल, जिसको देखो वो भारत का तगड़ा बल्लेबाज। लेकिन जिस दौर में आज की गेंदबाजी है वाकई में एक कमाल की, बेमिसाल, एब्सोल्युटली ऑसम, वाओ वाओ टाइप की, कह सकते हैं कि गेंदबाजी नहीं भरी हुई गोलियां, कारतूस, बम फेंके जा रहे हैं भारत वालों के सामने। भारत वाले फेंक रहे, सामने जो आ रहा वो अपने आप को बचाने के चक्कर में डंडा बाहर निकलवा रहा है। तो बात करेंगे आज 357 रन बनाए भारत ने, वो जवाब में मात्र 55 रन बना पाया श्रीलंका। एशिया कप में भी ऐसा ही हुआ था और आज भी ऐसा ही हुआ। लेकिन जो लोग 2000 के बाद का 2007, 8, 9, 10 की तरह ट्रेंड में सहवाग, सचिन, राहुल द्रविड़, धोनी, युवराज के फैन थे, उस समय गेंदबाजी का ये दौर नहीं था। गेंदबाजी थी लेकिन एक या दो गेंदबाज आते थे, वो इतना खास नहीं था। लेकिन उस टाइम में हम देखते थे भारतीय बल्लेबाजी कि सचिन खेल रहा है, सहवाग खेल रहा, मजा आ रहा है, गांगुली खेल रहा है, युवराज खेल रहा है, ये वो। लेकिन आज भारतीय गेंदबाजी चर्चे हो रहे समी के, सिराज के, बुमराह के, और भाई साहब समी ने तो जो बड़ा थोड़ा ठोक के इस वर्ल्ड कप की टीम में जगह बनाई है मौका मिलने के बाद, वो काबिले तारीफ है। समी ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेट, इंग्लैंड के खिलाफ 4 विकेट, बेन स्टोक को हवा में, उसको दिन में तारे दिखा दिए कि भाई साहब तू होगा स्टॉक, तेरा नाम सही में कोहली लेता बेन स्टोक, हम बताते तू कौन सा स्टॉक है। और उसके बाद में आज फिर 5 विकेट, समी जिस तरह से चीते की तरह दौड़ रहा है और जिस तरह से सांप की तरह गेंद को ले रहा है, डस रहा है, वो डस रहा है इस तरीके से डस रहा है। और आगामी जिस टीम की बारी है मैच की, वो सोच रहे होंगे समी से तो सारी निपटने पड़ेगा, क्योंकि जो सीम पे गेंद मार के जिस तरह से बल्लेबाज की छाती फाड़ रहे, इसको बोलते छाती फाड़ना, सही में डंडा डंडा निकालना। क्योंकि हम पहले से मैच देखते थे भारतीय बल्लेबाजी का तो सोचते थे यार गेंदबाजी का क्या होगा, तब ये था, तब ये बल्लेबाजी में मजा आता था। सहवाग ने खेल लिया, गेंद जा रही है ऑफ साइड की तरफ, पीछे गए क्षेत्र रक्षण के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन गेंद चली गई सीमा रेखा के साथ 4 रन के लिए, ये 20 नल चौका। लेकिन अब उससे दौर से इस दौर में बल्लेबाजी तो वाकई भारत की, वैसे एवरग्रीन भारतीय बल्लेबाजी के चर्चे रहते ही है और ऑलवेज रहेंगे, लेकिन अब गेंदबाजी के चर्चे हैं क्योंकि समी ने दौड़ना आरंभ किया, गेंद ठपा खाने के बाद अंदर की तरफ आई और ये मिडिल स्टंप डंडावार, बुमराह ने दौड़ना आरंभ किया, गेंद आके सीधी टकराई पैड रहे और अपील कर रहे हैं और ये LBW आउट। सिराज ने गेंद अंदर की तरफ लहराई है और गेंद बल्ले का बाहरी किनारे को छूते हुए, पप्पी लेते हुए, किसी लेते सीधी गई राहुल के हाथों में, ये आउट। ऐसा दौर आ चुका, अब क्या ही गेंदबाजी हो रही, क्या ही सामने वालों को, वही विकेट जिसपे भारत 357 बनाता है और वही विकेट दूसरी टीम बल्लेबाजी करने आते उसको गेंद चाइना वाली छोटी गेंद दिखती है। लोग बोलेंगे ये पिच अपने हिसाब से बनाते, अरे भैया हमने तुम्हें गेंदबाजी पहले करवा दी देख लो, तुम बोलोगे ये बैटिंग अपने हिसाब से करते हैं, वही बाउंड्री, वही पिच, वही गेंद, वही तुम, वही हम, आसमान और धरती का फर्क हो गया है। वाकई मजा आ रहा देख के, क्या बात की नजर ना लगे बस इस वर्ल्ड कप तक फाइनल में ये ऐसा धमाल मचा है, वर्ल्ड कप जीत जाए तब मजा आए, क्योंकि नजर जल्दी लगती है हमारे हिंदुस्तानियों को सही मायने में, ये फिर टोटका करना पड़ता, टोटका होते होते हम हो जाते हैं लेट। और भारत का अगला मुकाबला है अफ्रीका से, यदि अफ्रीका पहले खेल गया तो भारत को चैलेंज देगा, इसका 100% उन्होंने न्यूजीलैंड को भी दिखाया है। और यदि अफ्रीका खेलता है बाद में तो उम्मीद कर सकते हैं कि अफ्रीका जब जब बाद में खेला है कि दो मैच हमेशा ढेर हुआ है, भारत भी ढेर कर। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, उससे पहले बता देते भारत की तरफ से आज 3 अशतक लगे, एक तो बनाया विराट कोहली ने
दूसरा बनाया शुभम गिल ने, तीसरा बनाया श्रेयस अय्यर ने। तीनों शतक बनते बनते रह गए दस बारह रन से, लेकिन श्रेयस अय्यर ने होम ग्राउंड में 6 छक्के लगाए आज। कोहली ने आज 88, वहीं गिल ने 92 रन बनाए, जिसमें भारत के सर्वाधिक स्कोर रहे शुभम गिल। तो आप देख सकते हैं भारत ये मैच जीत चुका 297 रन से, एक शानदार जीत 298 रन से। मैन ऑफ द मैच बने हैं मोहम्मद शमी। तो इस वीडियो को करते हैं एंड, वीडियो अच्छा लगा तो कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।